अस्सलामुअलैकुम। तो लगा करता हूँ लास्ट न्यूमेरिकल जो पिछला टॉपिक चल रहा था उसका रह गया था, तो मैं दोबारा से यहाँ पे पेश कर रहा हूँ कि अगर 10 न्यूटन की फोर्स हम लगाते हैं चेंज इन मोमेंटम के लिए, जो कि 10 सेकंड में चेंज होता है मोमेंटम, तो हमने देखना है कि हमारा मोमेंटम जो सा चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ चेंज, यानी 100 न्यूटन की फोर्स लगाएं जो कि 10 सेकंड में मोमेंटम को चेंज करे, तो हमने ये देखना है चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है। तो एफ हमारे पास 100 न्यूटन है, टी हमारे पास 10 सेकंड है, डेल्टा पी हमारे पास जो सा है कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा पी ओवर टी जो सा है इज़ इक्वल टू एफ होता है। टी को आप दूसरी तरफ उठा के ले जाएं तो डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। एफ की कीमत लगाएं 100, टी की कीमत लगाएं 10, तो आपके पास 1000 न्यूटन सेकंड जो सा है ना वो जवाब आ जाएगा कि यानी कि डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम जो सा है 100 न्यूटन की अगर फोर्स लगाएं 10 सेकंड के लिए, तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो 1000 न्यूटन सेकंड होता है। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।